माय नेम इज सारिक बिनगुल और आई विल आई एम गोइंग टू मेंटर जेंडर स्टडीज फॉर कम्युनिटी इस्लामिक स्टडीज. इज वॉइस ओके? इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, थैंक यू. यस, थैंक यू. अच्छा, आप जेंडर स्टडीज के हवाले से आज इंशाल्लाह हम लोग बात भी करेंगे और सब्जेक्ट का जो खास तौर पर पर्सपेक्टिव्स है, डिस्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट है, प्रिज्म ऑफ द सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह ये सारे डिस्कस होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम जेंडर स्टडीज का जो सिलेबस है उससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. फिर इसके बाद हम नेचर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिस्कोर्स एंड प्रिज्म ऑफ द सब्जेक्ट, इसको बात करेंगे. और फिर इसके बाद उसकी डिफरेंट जो सेग्रीगेशन है इंशाल्लाह, उस सेग्रीगेशन के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. और इसके बाद फिर आप लोग भी कुछ आंसर्स भी होंगे, आंसर क्वेश्चंस इंशाल्लाह होगा, आंसर क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह उसका सेशन भी होगा. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर एक चीज याद रखिए कि मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह वो डिस्कशन बेस्ड होंगे, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कशन भी होगा. और जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उन सारे टॉपिक्स के आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा. और जितने भी हेल्पिंग मटेरियल है दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी. मैं आप लोगों को उस सारे नोट्स या आपके हेल्पिंग मटेरियल है वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. और रही बात इसकी कि जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट, ना सिर्फ जेंडर स्टडीज बल्कि हर सब्जेक्ट के आप लोगों को एटलीस्ट तीन चीजें पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का. बिफोर स्टार्टिंग आप कोई भी लेक्चर, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो कम्पिटेटिव इस्लामिक कम्पिटेटिव सीएसएस में, क्योंकि सीएसएस इज नॉट द गेम ऑफ ऑल नोइंग्स, यानी हर चीज का नहीं, लेकिन सीएसएस इज द गेम ऑफ ऑल नोइंग्स बट स्ट्रीमलाइन इन लिनियर इंफॉर्मेशन. आपके पास लिनियर होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन होना चाहिए और टाइम ओरिएंटेड एंड गोल सेंट्रिक आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए. जितने भी आपको गोल्स दिए है, टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, यू मस्ट बी कंटेंट सेंट्रिक. आपकी कंटेंट सेंट्रिक होना चाहिए. यू आर नॉट गोइंग टू पास एनी, आपने कोई इस तरीके से डिग्री पास नहीं लेनी है इसमें. यू हैव टू पास एंड यू हैव टू डिलीवर इन 3 आवर्स. आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए आप 3 आवर्स में. और यू मस्ट नो दैट समथिंग विच वी कैन डिलीवर इन 25 to 30 मिनट्स. तो इसलिए आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि आप मैं बताते सीएसएस इज the name of an attitude, you have to build that attitude, you have to synchronize your attitude with css. css se aap logo ne apne attitude ko synchronize karna hai. acha, jo khas taur par hum baat karenge, teen cheeze aap logo ne dekhni hai ki css ke subject ko start hone se pehle aap logo ne teen cheeze lazmi us subject ka pata hona chahiye. if you are not going to divide and segregate that subject in to mentally get pregnant yourself mentally with the concepts of this subject, any subject, you are not going to grasp that subject. usme sabse pehli cheez kya hai, that is nature of the subject. what is the nature of the subject? har subject ka ek nature hua karta hai. jitne bhi subjects hain आपको बताया कि उस सब्जेक्ट का नेचर हुआ करता है. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब पॉलिटिकल साइंस में क्या आते हैं? पॉलिटिकल थियरीज पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थियरीज पढ़ते हैं, हम वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिकल जितने भी डेवलपमेंट होता है और गवर्नमेंट किस तरह चलाया जाता है, गवर्नमेंट की कितनी ऑर्गन्स है, सारी चीजों हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में. यानी आपका जो स्टेट अफेयर्स है, गवर्नमेंटल अफेयर्स है, उन सबको चलाने के लिए जो आपको एक थ्योरीज देते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वगैरह देते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में. टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जूलॉजी, हम जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स, किंगडम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं. और इसी तरीके से बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. और इसी तरीके से अगर आपका इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिकल थ्योरीज पढ़ते हैं, जो जितने भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है या द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है या वर्ल्ड इकोनॉमिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. और इसी तरीके से अगर आप देखते हो, अगर आप चले जाते हैं हिस्ट्री में तो हम हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं और जितने भी पास्ट के इवेंट्स होते हैं उस पास्ट के इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं.
तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एक नेचर हुआ करता है, जिसके वो आपको क्या करते हैं, आपको एक सर्कल देता है कि किस सर्कल में रहते हुए आपने इसको डिबेट करना है, डिस्कस करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या है। तो याद रखिए, द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट सबसे पहली चीज क्या है। तो इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो इस जो आपके जेंडर स्टडीज है, जेंडर स्टडीज का नेचर क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। नंबर एक, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। नंबर एक, ये एक न्यू इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट में स्टार्ट में वो क्या होता है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने साथ अमलगमेट करके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो मेन थेरीज है, कॉन्सेप्ट है, उनको इनकॉर्पोरेट करके आगे जाते हैं। यानी वेरी सिंपल, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है नंबर एक। और इसका नेचर क्या है, इस सब्जेक्ट में न्यू सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, हम लोगों ने पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट में। जिस तरह बताया था कि हर सब्जेक्ट का एक नेचर हुआ करता है, इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान क्या है, तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले एलिमेंट क्या है, इस सब्जेक्ट के नेचर का सबसे पहला एलिमेंट क्या है। अगेन हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, से हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, नंबर एक, दैट इज वुमेन्स स्टडीज। सबसे पहले क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वुमेन्स स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के नेचर क्या है, मैंने बताया था इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें हम लेकर के आएंगे और बहुत सारे डिसिप्लिन की जितनी भी थेरीज वगैरह उनको हम बात करेंगे। यस श्योर। इसके बाद सेकेंड क्या है, इस वुमेन्स स्टडीज में क्या है, वी आर स्टडी अबाउट जितनी भी स्टडीज है, वुमेन ओरिएंटेड स्टडीज। वुमेन ओरिएंटेड स्टडीज होगी, यानी वुमेन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में होगा, वो मैथ्स मीडिया में होगा, वो हिस्ट्री में हो जाता है, वो एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में है, पॉलिटिक्स में है, वो इकोनॉमिक्स में है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। खास तौर पर अगर हम एक लफ्ज में बता दूं तो वुमेन स्टडीज में यहां पर क्या है, फेमिनिज्म प्लस पॉलिटिक्स। यानी ये डिटेल्स में वुमेन स्टडीज आप लोगों को डिटेल से दोबारा भी पढ़ाऊंगा आगे। यानी इसके वन सेगमेंट क्या है, दैट इज वुमेन स्टडीज। बी क्या है इसका, यानी ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में सेकेंड क्या चीज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हम पढ़ेंगे मेन्स स्टडीज। स्टडी अबाउट द मेन्स, मेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सारे उसके जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे, मेन्स स्टडीज के बारे में बात करेंगे। और इसका थर्ड क्या है, थर्ड सेगमेंट क्या है, दैट इज स्क्वेयर स्टडीज। या अगेन अगेन इंशाल्लाह हम ये डिटेल्स, ये चीज अगेन से स्क्वेयर स्टडीज में द अदर जेंडर्स, जितने भी इससे अट करके मेन जो बाइनरी दो जेंडर्स है, मेन एंड ओमेन से अट करके आपकी जितनी भी बाकी जेंडर्स है, वो सारे जेंडर्स हम क्वेयर में डिस्कस करेंगे, जिसमें लेस्बियंस है, गेंस है, ट्रांससेक्सुअल्स है, होमोसेक्सुअल्स और बायसेक्सुअल्स, और इसके साथ क्वेयर जितनी भी है, ट्रांससेक्सुअलिटीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये तीन चीजें क्या है, ये नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी जो आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपकी बाउंड्रीज यहां तक है, इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। इन बाउंड्रीज कौन से बाउंड्रीज है, वुमेन स्टडीज, मैन स्टडीज एंड क्वेयर स्टडीज, ये एक बाउंड्री है, या इसका नेचर क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेंडर। यानी बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में क्या है, अगर हम बात करेंगे तो इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेंडर। याद रखिए, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान है, ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट द गेम ऑफ 5 to 6 days। लेकिन क्या है, सबसे मुश्किल बात यह है कि इसका अगर हमें नेचर का, डिस्कोर्स का पता चल जाए, नेचर एंड डिस्कोर्स पर कोई बात नहीं करते, बहुत ज्यादा स्टफ पड़ा हुआ है, बहुत सारी किताबें पढ़ी, सारी पढ़ी, लेकिन जो आप पर मसला आ जाते हैं, मसला कहां पर आ जाता है कि
जो एस्पायरेंट्स से एस्पायरेंट्स को नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट का पता चल जाए। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेंडर, जेंडर इन पॉलिटिक्स, जेंडर इन इकोनॉमिक्स, जेंडर इन हिस्ट्री, जेंडर इन मैस मीडिया, जेंडर इन लिटरेचर, जेंडर इन आपकी जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जेंडर इन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में हमने क्या करना है, हमने जेंडर के बारे में पढ़ना है। तो क्या है ये, यानी हमने सब नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वी आर जेंडर ओरिएंटेड, वी आर जेंडर सेंट्रिक, हम जेंडर सेंट्रिक हैं। जेंडर सेंट्रिक से क्या मुराद है यहां पर कि हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसको एक पर्सपेक्टिव जो होगा वो जेंडर पर्सपेक्टिव ही होगा। जिस तरह हमने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, तो इसी तरीके से यहां पर जेंडर स्टडीज में हम क्या देखेंगे, हम जेंडर पर्सपेक्टिव को देखेंगे, जेंडर अप्रोचेस को देखेंगे यहां पर। तो याद रखिए यहां पर जेंडर और खासतौर पर स्टडी अबाउट जेंडर्स या जेंडर्स की जेंडर से मुताबिक जितने भी आप मिथ्स बने हुए हैं या किस तरीके से जेंडर डेवलप हुआ है और जेंडर में कौन कौन सी चीजें आ जाती, कौन कौन से जेंडर आ जाते हैं, और जेंडर इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम इशारा देखेंगे कि कौन कौन से शोबे हम लोगों ने जेंडर पढ़ना है, इवन तो जेंडर इन डेवलपमेंट, जेंडर इन पाकिस्तान में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट जेंडर्स इन पाकिस्तान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले चीज क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में और जेंडर की जितनी भी बाकी एस्पेक्ट्स है डोमेन्स ऑफ लाइफ में उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें खासतौर पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस क्या करना है। अभी तक हम लोगों ने लीनियर स्टडी की है, लीनियर स्टडी से मुराद जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी एजुकेशन हमारी हम तक पहुंचे है या जितनी भी सोसाइटी चल रही हम एक लेंस से देखते थे। वो लेंस हम लोगों का क्या था, उसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ यानी इंफॉर्मेशन आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, सोसाइटी बिल्ड हो रही है, जितनी भी चीजें आ रही, लेकिन उसको हम लोगों ने कोई प्रिज्म नहीं लगाया, कोई लेंस नहीं लगाया। तो सेकंड चीज क्या होता है, एक चीज सेकंड चीज को जो हम लोगों ने इसमें देखना है, दैट इज डिस्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट, डिस्कोर्स या प्रिज्म ऑफ द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का एक डिस्कोर्स हुआ करता है, याद रखिए आपको जब तक किसी भी सब्जेक्ट के डिस्कोर्स का पता ना हो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेल योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और अनटिल अनलेस यू आर नॉट मेंटली प्रेग्नेंट विद द प्रिज्म डिस्कोर्स और लेंस और पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू पास दैट सब्जेक्ट विद फ्लाइंग कलर्स। If you are going to excel yourself to pass that subject in flying colors, you must know the discourse and the prism of the subject. Har subject ka apna ek discourse hua karta hai. Aapne kis lens se dekhna hai chizon ko. Aapke mind mein kya hona chahiye? Jab kisi cheez ko aap discuss kar rahe ho, to aapke mind mein preliminary discourse jise hum kehte hain, preliminary discourse ya aapka mukadma ul zehn, aapke zehn mein kya hona chahiye, fir aapne un cheezon ko dekhna hai, aapka prism kya hona chahiye, aapke spectacles kya hone chahiye, aapki googles kya hona chahiye, aapke mind mein kya hona chahiye, fir aapne is subject ko dekhna hai। Very simple, bahut zyada aasan। जिस तरह आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या होती है, इकोनॉमी होती है, पैसा होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है, उसमें आपकी बिजनेस होता है, उसमें आपके इंटरेस्ट होते हैं, सारी चीजें देखते हैं। और इसी तरीके से जब हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं तो हम लोगों का प्रिज्म या डिस्कोर्स क्या होना चाहिए, तो याद रखिए बहुत ज्यादा आसान, हम लोगों का डिस्कोर्स या प्रिज्म या मुकदमा उल जेन ये होना चाहिए कि जिसमें हम लोगों ने देखना है कि वी हैव टू जेंडर्ड ईच एंड एवरीथिंग, जेंडर्ड। आपने जो चीज भी देखना है जिंदगी के किसी भी शोबे में, जिस भी आप चीज की शोभा आए जिंदगी को देखना है, यू मस्ट जेंडर दैट पर्सपेक्टिव, आपके जहन में जेंडर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने मीडिया देखना है, मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप देखते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने जेंडर करना है, आपने देखना है इसमें रिप्रेजेंट जितने रिपोर्टर्स हैं उस रिपोर्टर में रेशो मेल का क्या रेशो है और फीमेल का क्या रेशो है,
या ट्रांसजेंडर का क्या रेशो है, आपने जेंडर्ड करना है इस चीजों को, इसी तरीके से पॉलिटिक्स देखना है तो कितने एमएनएस एमपीएस या लॉ मेकर्स या मिनिस्ट्रीज जो आसानी मिनिस्टर्स मेल है और फीमेल है, रेशो देखना है, जेंडर्ड करना है। और इसी तरीके से आपने कि जितनी भी आपकी कैंडिडेट्स होते हैं तो उन कैंडिडेचर जो होते हैं उसमें कितनी चीजें होती है जो खास तौर पर हम देखते हैं कि किस रेशो से मेल और फीमेल को ये डिवाइड हुआ। और आगे अगर आप देखते हैं तो इकोनॉमिक्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मेल को कितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेल हुए, फीमेल को कितने अवेलेबल हैं, तो हम लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को यार इकोनॉमिक्स को भी हम लोगों ने जेंडर्ड करना है। इसी तरीके हिस्ट्री अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को भी हम लोगों ने जेंडर दिखा है कि हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय मैन, हिस्ट्री जितनी है वो मेल कंस्ट्रक्टेड है तो हम देखते हैं या मेल रिटन है, तो हम लोगों ने हर चीज को क्या करना है, जेंडर्ड करना है। तो ये याद रखिए बहुत ज्यादा आसान, आपका प्रिज्म स्पेक्टिकल्स आपका डिस्कोर्स ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी जेंडर्ड, आपके जेंडर होना चाहिए। और आसान अल्फाज में अगर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज को अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बात कर लूं तो जेंडर स्टडी से ज्यादा ये वुमेन स्टडीज है, जेंडर स्टडी से बढ़कर के ये वुमेन स्टडीज ज्यादा है, ज्यादातौर पर वुमेन पर्सपेक्टिव। तो इसलिए यहां पर आपका पर्सपेक्टिव, आपका डिस्कोर्स ऑफ माइंड मस्ट बी फेमिनिस्ट, आपका डिस्कोर्स क्या होना चाहिए, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स होना चाहिए आपका। आर यू गेटिंग मी, कोई थम्स अप करना, आर यू गेटिंग एवरीवन, थैंक यू। फेमिनिस्ट आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका डिस्कोर्स ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, फेमिनिस्ट होना चाहिए। हर चीज जितनी भी चीजें होगी वो चीजें को, उन चीजों को आपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में देखना है बस। यानी आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, फेमिनिस्ट होना चाहिए, जेंडर्ड करना है हर चीज में, आपने जेंडर को लेकर मेल फीमेल रेशो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, मैन एंड वोमेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर एंड ट्रांससेक्सुअल्स, उसके बारे में आप लोगों ने बात करना है। ये दो चीजें किसी भी सब्जेक्ट के पहले से, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिस्कोर्स या प्रिज्म ऑफ द सब्जेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, नेचर एंड प्रिज्म ऑफ द सब्जेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी तरीके से हम आएंगे कि इसमें हम लोगों ने प्रिज्म या डिस्कोर्स जो करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल से लास्ट में, हम लोग पास्ट पेपर हर रोज हम पास्ट पेपर भी देखेंगे, पास्ट पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह, सोल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2016 से लेकर के 2020 तक, सारे चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि और जितने भी एक्सपेक्टेड डायमेंशंस है, जो रिपीटेड डायमेंशंस है उसको भी कवर करेंगे, और अपकमिंग जितने भी एक्सपेक्टेड डायमेंशंस हो सकते हैं इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ दो चीजें आप लोग। इसके बाद थर्ड चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी सब्जेक्ट को आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज हाउ टू स्कोर गुड, how to score good, how to pass this subject with flying colors। हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, या इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी डिवाइस करना होगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना होगा जिससे हम इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। याद रखिए इसका बहुत ज्यादा आसान चीज, आसान स्ट्रेटजी, सबसे पहली स्ट्रेटजी आपके क्या होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर की थ्योरीज पता होना चाहिए। ये मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा, ये थ्योरीज हम सारे पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर के थ्योरीज जो हम हैं वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे वन टू वन सारे। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट इन जेंडर स्टडीज इज थ्योरीज ऑफ जेंडर, बाकी सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये थ्योरीज जो है ये चैलेंजिंग है, इवन दो इट इज चैलेंजिंग फॉर द मेंटर्स, जिनके जेंडर को अगर इन डेप्थ ना पढ़ा हो, सुपरफिशियल नॉलेज हो, तो उसके लिए भी ये मसला होता है कि हाउ टू अप्लाई द जेंडर थ्योरीज, और जेंडर थ्योरीज को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल make you a people amped with all the theories, jitne bhi theories ho gaye inshallah wo theories aap log ke liye inshallah main aap logo ki finger tips par leke aaunga, sare theory, gender ke
थ्योरीज, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज क्या है जो हम लोग वी कैन स्कोर गुड इन जेंडर स्टडीज, दैट इज जार्गन, या आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज होता है ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, सब्जेक्ट लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हुआ करता है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग आई विल शेयर जितनी जेंडर की जार्गन है, मैं जेंडर की जार्गन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप एक एक दो दो टर्म्स भी याद करते हो तो इंशाल्लाह विद इन वन मंथ इंशाल्लाह आप लोगों की सारी ये टर्म्स याद होंगे, ये आपको बाकी सब्जेक्ट में भी काम आएंगे और आप ऐसे में भी लिख सकते हो, जार्गन को आप बारो कर सकते हो आप। तो ये जार्गन ऑफ द सब्जेक्ट आपको लास्ट लेन, फॉर एग्जाम्पल पैट्रियार्की है, मैट्रियार्की है, हम कहते हैं एंड्रोसेंट्रिक, हम बात करते हैं, हम क्वीर की बात करते हैं, हम ट्रांससेक्सुअल्स की बात करते हैं, और इसी तरीके से हम कहते हैं प्रैक्टिकल थॉट्स की हम बात करते हैं, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, ये कुछ मैं टर्म्स बता रहा हूं, ये सारी टर्म्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स भी बताऊंगा, या जेड क्या होता है और गेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करें, जार्गन या सब्जेक्ट लैंग्वेज आपको यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आईआर में, आईआर जब आप आईआर में लिखते हो, अनलेस यू आर नॉट ब्रिंगिंग, you are not using the IR jargon, you are not going to score good. आप स्कोर कभी भी नहीं कर सकते, आप जो आम जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वहां पर IR में। For example, आपने IR में zero sum game, आपने डिप्लोमेसी आपने वो देखना है, या आपने बबल इकोनॉमी वाला लफ्ज इस्तेमाल करना होगा, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, दीज ऑल आर द जार्गन्स ऑफ आईआर, आईआर की जार्गन्स है, आपको वहां पर यूज करने होंगे डिफरेंट जार्गन्स, ठीक है। और इसी तरह कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, हर जो जितनी भी टर्म्स है, हर सब्जेक्ट का अपना एक जार्गन हुआ करता है, तो आईआर जेंडर स्टडीज के भी अपना एक जार्गन हुआ करता है, तो इस जार्गन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब सिर्फ थोड़ा सा एक आप लोगों की माइंड बनाने के लिए, माइंड मैपिंग करने के लिए कि इस सब्जेक्ट में हाउ टू स्कोर गुड, किस तरीके से हम सब्जेक्ट को स्कोर ज्यादा कर सकते, और इसके बाद के हम लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्चुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखे बीइंग द पेरेंट ऑफ सीएसएस यू मस्ट हैव अ स्पेशल, आप लोगों के पास है कोई स्पेशल कोई अलाइदर से एक रजिस्टर होना चाहिए या कोई फाइल होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होना चाहिए जिसमें आपके पास फैक्चुअल डेटा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा लाजमी है। आप जब तक आपने जो अगर कोई आपका स्टेंस लेते हो उस स्टेंस को, या आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, जब तक आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को फैक्चुअल डेटा से आप उसको क्या नहीं करते, बैक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हो, उस थीसिस स्टेटमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसी तरीके से आप लोगों को फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा आप लोगों को क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, फैक्चुअल डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्जांपल आपने फैक्चुअल डाटा लगे तो पाकिस्तान में फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, पाकिस्तान में जो मैटरनिटी रेट्स क्या है, पाकिस्तान में औरतें की जो बच्चे पैदाइश के वक्त कितने बच्चे जो ने लड़कियां जो है वो मर जाती है, और इसी तरीके से एजुकेशन रेशियो उनका क्या है और इनका जॉब रेशियो क्या है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिक्स क्या रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स में, और अब तक पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं वुमेन, या फैक्चुअल डेटा यानी इसमें आपके डेट्स भी आ जाएंगे, इसमें नंबर्स भी आएंगे, और इसमें खास तौर पर इकोनॉमिक द इकोनॉमिक्स में जो सर्वे आ जाते हैं, इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान वो आ जाता है, या बाकी डेटा आ जाते हैं, या जो आपकी जेंडर इंडेक्स है, जेंडर इंडेक्स वगैरह, बाकी ये सारी चीजें जो आम रूटीन में हम पढ़ते हैं, वो चीजें फैक्चुअल डेटा आपको लाना पड़ेगा, फैक्चुअल डेटा यहाँ पर लाना होगा। इसके बाद क्या है, आप लोगों का खास तौर पर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को आपने हर चीज को जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखना है, जेंडर पर्सपेक्टिव से, जिस तरीके से यहां पर हम लोगों ने बात की है कि हर चीज को आपने जेंडर्ड करना है, तो यहां पर भी जितने भी आपका क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन आप लिख रहे तो उसको आपने जेंडर्ड लिखना है, तो जेंडर्ड करना होगा आपका सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास वो आपने जेंडर्ड करना है। इसके बाद हम आएंगे खासतौर पर कि कोट्स, इसमें बहुत सारी चीजें आपने वैसे भी कोटेशंस जो होते हैं, वैसे भी आपके बीइंग दिस पेरेंट ऑफ सीएसएस यू मस्ट नो अबाउट मेनी कोटेशन, जितने भी कोटेशन है आपको
थोड़े से कोटेशंस पता होने चाहिए, एजुकेशन पर, इकोनॉमी पर, इस पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे कोट्स को पता होना चाहिए। तो जेंडर स्टडीज में 8, 10, 15, 20 जितनी भी ये जेंडर या फेमिनिस्ट हैं, जो प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट है, उनकी कोटेशंस में आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। जो जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक्स के अंदर मैं आप लोगों को कोटेशन भी दे दूंगा, यानी जितनी भी बुक्स मैंने पढ़े उस बुक का जिस्ट और उस जो फेमिनिस्ट है उसके पूरा एक लबे लुबाब जो है, जिस्ट जो है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूं। तो कोटेशन बहुत ज्यादा लाजमी है हर सब्जेक्ट, हर सवाल को स्टार्ट होने से पहले आपने क्या करना है, कोट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर जेंडर के बारे में, जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो असाइनमेंट डी बिहेवियर के वन इज नॉट बर्न वुमेन बट वन बिकम्स वन, यानी कोई औरत पैदा नहीं हुई बल्कि एक को बना, औरत को औरत बनाया गया है। आप ये असाइनमेंट डी बिहेवियर का जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में उसका कोटेशन है, यानी पूरा जस्ट ऑफ द टॉपिक को उसने एक कोटेशन में लेके आया। और इस तरीके से कैद आजम का कोट है, कैद आजम मोहम्मद अली जिना का कोट है। अगर आपको पता है कि कैद आजम मोहम्मद अली जिना क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कोई भी कौम उस वक्त तरक्की तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसके मेल और फीमेल शोल्डर टू शोल्डर ना हो। अब ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको कैद आजम का कोट आया। इस तरह कोटेशंस को आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने कोटेशंस को लेके आना है, कोट्स ज्यादा होंगे। इसके बाद क्या है, चार्ट्स। आगे में इंशाल्लाह आप लोग का पाई चार्ट और बाकी चार्ट जो है वो चार्ट्स भी बना के दे दूंगा। सारे चार्ट्स में डायग्राम्स, चार्ट्स जो है वो आप लोगों ने, जितने भी ये एड्स होते हैं उसको आप लोगों ने क्या ज्यादा से ज्यादा लेके आना है टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। दोबारा इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे दोबारा इन चीजों को मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा और उसमें बहुत सारी चीजें जो आगे हम पढ़ेंगे उसको भी इंक्लूड करवाऊंगा। पूरा एक लिस्ट, चेक लिस्ट दूंगा कि आपके सवाल में ये चीजें होना चाहिए टू स्कोर गुड, या टू आपने क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने किसी भी सवाल में, तो ये चीजें होना चाहिए। समझ आया आप लोगों को? यस, ट्रांसफोबिया, गाइनोफाइल बिल्कुल पढ़ेंगे सारे, ठीक है। ये चीजें जो है ये था। अब फोर चीज जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट, वन टू, पहले नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, डिस्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ टू स्कोर गुड। इसके बाद हम आएंगे व्हाई दिस सब्जेक्ट। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा इसलिए भी ज्यादा आप डिक्लेयर रहा हूं ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट में भी ये काम ये आ जाए, ये फॉर्मूला आपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। वो फोर्थ क्या है, दैट इज व्हाई जेंडर स्टडीज। व्हाई जेंडर स्टडीज, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, आप एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते थे, आप सोशियोलॉजी भी ले सकते थे, आप इन्वायरमेंटल साइंस भी ले सकते थे। आपको पता होना चाहिए, जो आप देखो कंपलसरी सब्जेक्ट में तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है, हमने पढ़ना है, सबने पढ़ना है और सेम पढ़ना है। ऑप्शनल में क्या है, जहां पर आपको स्कोर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए व्हाई आई एम ऑप्टिंग, व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए मैं क्यों जा रहा हूं और क्यों लाजमी ये सब्जेक्ट, इसके इंपॉर्टेंस में आपको अभी बताऊंगा। तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों ने, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज आपका है इसमें, यानी ये वो देखना है, या आप जब कंपेयर करते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में तो आप कहते हैं किसकी तरह आप, मेरा जो हर एक आप कहते हैं साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, अगर आपकी साइकोलॉजी किसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। बाज लोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, उसका एक्सप्रेशन बिल्डअप होता है, वो डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। बाज लोग रूट लर्निंग जिसे हम कहते हैं रटा, रटलाइजेशन कर सकते हैं, तो बाज लोग वो रटे वाले में चले जाते हैं जहां पर रटलाइजेशन ज्यादा है, और बाज लोग उनके पर्सपेक्टिव बिल्ड हो चुके हैं और वो कुछ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से, और वो एनालिटिकल अप्रोच भी उनका होता है, तो वो लोग फिर आईआर में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोल साइंस और आईआर के दरमियान यही एक बहुत सारी चीजें, एक ये चीज होता है, एक होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट है और दूसरी चीज के वहां पर आप एनालिसिस करते हो, तो एनालिटिकल अप्रोच वहां पर आपको क्या होता है, अगर बिल्ड अप है तो गो फॉर दैट सब्जेक्ट, नहीं तो इसी तरीके व्हाई जेंडर स्टडीज। यू पीपल आर लकी इन दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात है इट इज इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जरूर पाया जाता है,
बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है किसी का थोड़ा सा, इसमें हर सब्जेक्ट, इसीलिए हम कहते हैं सवाल आ जाता है कि जेंडर स्टडीज इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो ये इस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का होते हुए इसमें आपको हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सेगमेंट जरूर मिलेगा, नंबर एक। सेकेंड क्या चीज है, हम एक्सपीरियंस करते हैं जेंडर जो है हमारे सोसाइटी में 24/7/30/365 जो है हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इस जेंडर्स को, इस चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसके बाद क्या है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर स्टडीज को अगर आप ग्रेस्प कर लेते हो, अगर आपका ग्रिप आ जाता है इस जेंडर स्टडीज, तो आपका एक एसे का टॉपिक कवर हो जाता है। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 टॉपिक्स होते हैं एसे में, एसे में 10-12 सब्जेक्ट्स में से आपका एसे एक जेंडर से लाजमी आ जाता है कोई ना कोई पर्सपेक्टिव। जिस तरीके से इस दफा आया था कि वुमेन एजुकेशन का, वुमेन यूनिवर्सिटीज का जो आया था वो एक्चुअली दरअसल वुमेन एजुकेशनल स्टेटस इन पाकिस्तान उसके बारे में था, लेकिन थोड़ा सा वो रिफ्रेश कर लेता है या थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर लेता है, होता वही है। जिस बंदे को अगर जेंडर पर या स्टेटस ऑफ जेंडर इन पाकिस्तान या स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान या एजुकेशन, एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान को अगर उन लोगों ने सही तरीके से किया तो इजी हो जाता है। और इसमें क्योंकि हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, बाकी फैक्चुअल डेटा या बाकी जो मैगजीन्स पढ़ते हो उसमें आपको फैक्ट्स मिलते हैं, कोई ना कोई टॉपिक जरूर जेंडर से रिलेवेंट होता है, तो इसलिए भी जेंडर से आपका एक एसे का टॉपिक भी कवर हो जाता है। और बाकी जेंडर जो है बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन है, आपको क्या करना होगा, जार्गन ऐड करना होगा, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो क्या है, आपको थ्योरीज का, लोग इसलिए जेंडर को छोड़ जाता है जहां पर थ्योरीज आ जाते हैं, थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव जब आ जाते हैं वो इशू। दैट इज माय आइडिया, इंशाल्लाह जितनी भी थ्योरीज होंगे वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे, इंशाल्लाह सारे मेन स्ट्रीम की जितनी भी थ्योरीज है उन थ्योरीज को अप्लाइड इन नेचर, ताकि आप लोग पाकिस्तान के केस में भी अप्लाइड कर सकते हैं, तो मैं केस स्टडीज भी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। और इसलिए भी क्योंकि जितने भी अवेलेबल स्टफ है उसमें वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न लिखी हुई है तो सारे वेस्ट की ही हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, तो आई विल ट्राई ऑल माई बेस्ट टू ब्रिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम एशिया, एशिया से और पाकिस्तान से ही मैं एग्जाम्पल्स लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये जेंडर स्टडीज, और दूसरी बात क्या है जेंडर स्टडीज का खास तौर पर क्या है कि जितने भी आपको पता है कि आजकल के डिबेट्स भी चल रहे हैं, हम आए रोज हम देख रहे हैं जो औरत मार्च है, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन इन एंटायर वर्ल्ड, मी टू मूवमेंट वगैरह, टाइम्स अप वगैरह, ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं उसका हम लोग वैसे भी न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इजिली हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए वी आर गोइंग फॉर जेंडर स्टडीज। और आसान, बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, खुश सब्जेक्ट भी नहीं है जिसमें आपको, आप पता है कि ये अप्लाइड इन नेचर है। देखो सब्जेक्ट वही मुश्किल होता है जो प्योर इन नेचर हो, प्योर नेचर जो आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते, आपको सारी चीजें क्या रटलाइजेशन करना होगा। यहाँ पर यू कैन डिबेट, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, आप डिबेट कर सकते हैं, अगर आपके पास फैक्चुअल डेटा है, आपके पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, और आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, जार्गन है, यू कैन स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। आई होप सो समझ आया होगा, ये चार चीजें आपको हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा ये सारे 3-4 चीजें आपको हर सब्जेक्ट में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट को ग्रेस्प कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। इससे अट करके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है उसमें, यानी इन चीजों के बाद इंपॉर्टेंट चीज वो है, क्योंकि ये एग्जाम कोई डिग्री का एग्जाम नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी डिसर्टेशन, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर, यू आर नॉट गोइंग टू हैव टू गेट एनी डिग्री, डिग्री नहीं लेना है कोई 2 साल का नहीं है, ना सेमेस्टर वाइज है, यू हैव टू जस्ट, आपने क्या करना है, you are best in 3 hours and you are to do your best in 25 to 30 minutes in a particular subject on a particular topic, kisi bhi topic mein aapne 25 to 30 minute likhna hota hai, isliye aapke paas streamline knowledge bahut zyada hona chahiye, aur the most important thing that kya hai ki aap logo ke paas subject ke bare mein pata hona chahiye, wo kya hai subject yani syllabus of the subject pata hona chahiye, वो सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है कि हर सब्जेक्ट की अपनी डिफरेंट सेग्रीगेशन होती है, जस्ट लाइक मैं इस सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को मैं
डिवाइड करता हूं, मैंने जितने भी सब्जेक्ट किया सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, हर सब्जेक्ट की मैंने सेग्रीगेशन की है, क्योंकि देखो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे जिन लोगों ने हम लोगों पर फॉर्मूला लगाया था, आप लोगों ने भी क्या करना है, हमने डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला ही लगाना होगा यहाँ पर। वो डिवाइड एंड रूल है, यू टू सेग्रीगेट यूर सब्जेक्ट इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स। डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने क्या करना है कि सम क्वेश्चंस, यस रामना, वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम वहां पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई हियर दैट पेरेंट्स शुड नॉट होप दिस सब्जेक्ट, दिस कैन क्रिएट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड एग्जामिनर्स, बट आई विल बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। बट थैंक यू कनीस, नॉट एट ऑल कनीस, बिल्कुल भी नहीं है। देखो लोगों की बातों पर नहीं जाना है, दो चीजें आपको पता होना चाहिए। नंबर एक, आप जब वहां पर जा रहे हो आपने क्या करना है, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी पॉजिटिव। लोगों की बातें वहां पर आपने ये नहीं करना, किसी ने बस सुनी सुनी बातें जो नहीं आपको सुन कर लेते हैं, नॉट एट ऑल। आपका दिल क्या कर रहा है और बाकी क्या कर रहा है, डोंट गो फॉर इट। और सेकंड, लोग ऑप्ट क्यों नहीं करते हैं, लोग यानी लोग ऑप्ट करते हैं, यस बहुत ज्यादा लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। और हाउ यू कैन ब्रिंग कंट्रास्ट, वो ब्रिंग कंट्रास्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्कोर गुड, ताकि आपके एग्जामिनर को आपने क्या करना, आपने अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को या अपने आंसर को कैची बनाना होगा। वो आप क्या होगा कि ताकि आपके एग्जामिनर को, यू हैव टू सेल योर इंफॉर्मेशन योर नॉलेज, आपने अपने पिकी भेजना होता है। तो इसका सबसे फॉर्म क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, मैं जितने भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन ऑफ द आंसर दूंगा। हर आंसर का मैं एक पूरा एक स्केलेटन दूंगा कि इसकी ये स्केलेटन है, यानी इसका ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपने बिल्ड करना और इसमें ये चीजें इंक्लूड करना होगा। उसका ज्यादा आप लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आई विल ट्राई ऑल माय बेस्ट टू इनकल्केट ऑल द इंपॉर्टेंट कोट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ऑल द इंपॉर्टेंट थियरीज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर जो आपकी टॉपिक होगा उसमें सारी चीजें होगी। जबकि हर सब्जेक्ट को स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करूंगा, वो मैं आई विल ट्राई और माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करके बता दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या क्या आ रहे हैं। आप इसको कर लें, नीचे कर लें ब्रदर, नीचे कर ले दो। यस अभी जेंडर पर्सपेक्टिव वी हैव टू फॉलो इन एग्जाम्स ऑन सब्जेक्ट्स रिलीजियस फेमस लिबरल ऑर्थोडॉक्स। नो अहमद, हम लोगों ने, मैं आप लोगों को, क्योंकि जब हम अप्रोच पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर जस्ट न्यू इन दिस सब्जेक्ट, और अभी से अगर हम डिस्कस करेंगे वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नॉट एट ऑल मुश्किल नहीं। हम पढ़ेंगे अहमद अमीरुद्दीन इंशाल्लाह, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पर्सपेक्टिव हम लोगों ने आगे फॉलो करना है। मैं आप लोगों को सारे पर्सपेक्टिव, हो सकता है मैं आप लोगों को कोई नया पर्सपेक्टिव दूंगा जो सेफ साइड वाला पर्सपेक्टिव हो, जिसमें कॉम्बिनेशन या अमलगमेशन ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव शामिल होगा। औरत मार्च कार्ड इन पाकिस्तान, यस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा हम आते हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन है देख लें। थैंक यू साइमा। अच्छा हम आते हैं, हर सब्जेक्ट को आप लोगों ने सेग्रीगेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, यू मस्ट सेग्रीगेट। आप लोगों ने सिलेबस को सेग्रीगेट करना है, अगेन इट इज यूनिवर्सल, आप लोगों ने अप्लाई करना है हर सब्जेक्ट पे। हर सब्जेक्ट का आपको देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सेगमेंट। आप लोगों ने हर सब्जेक्ट को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करना है। मेरा स्ट्रेटजी क्या होता है, मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मेरे उस सारे सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रेटजी ये होता है, आई डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू सेवन कैटेगरीज, सेवन सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस के इस जो सेगमेंट है इसे जो ऑन द बेसिस ऑफ के साथ आपको दे आठ क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सात सब्जेक्टिव, उस सात सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से सेगमेंट से आते हैं और रिपीटेड कौन से टॉपिक्स होते हैं उनके बेसिस पर मैं इसको डिवाइड करता हूं। देयर आर सेवन सेगमेंट्स, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट दैट इज
दैट इज इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज. इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज ये पहला सेगमेंट है. इस सेगमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. हम जेंडर के बारे में जितनी भी चीजें हैं हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जेंडर स्टडीज. बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल इंट्रो टू द सब्जेक्ट. इस सेगमेंट में सवाल अक्सर आ जाता है इंट्रो टू द सब्जेक्ट. सेकंड क्या आ जाते हैं उसमें, फिर व्हाट इज द डेवलप हाउ द जेंडर स्टडीज डेवलप्ड इन पाकिस्तान या स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान. इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज. जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज, जिसे किसी ने सवाल भी किया था तो जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर सवाल आ जाता है वो इस सेगमेंट में से वो है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन वाला डिबेट. इस वाले डिबेट को बहुत ज्यादा पजल्ड किया है, अवेलेबल स्टफ मार्केट में अवेलेबल स्टफ ने बहुत ज्यादा पजल्ड किया है कि इस क्वेश्चन को कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसको लोग किस पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं. तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे. और स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान या जेंडर स्टडीज, हाउ जेंडर स्टडीज वाज डेवलप्ड या इवोल्व्ड इन पाकिस्तान, इसकी इवोल्यूशन किस तरीके से हुई, उस एवोल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे. तो ये पहला सेगमेंट है जिसमें हम जेंडर सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे, वुमेन स्टडीज की ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे. ये है सेकंड क्या है, सेकंड इसका सेगमेंट आ जाता है जिसमें हम जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा सब्जेक्ट इसलिए देखो, बल्कि आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को फिंगर टिप्स पर लेके आना है, यानी आपकी सॉरी सिलेबस को. वाई, क्योंकि सीएसएस में ये की नहीं कि एक किताब को ही रिकमेंडेड बुक्स बहुत सारे दिए गए हैं. स्मार्ट वर्क का अगर हम कहते हैं कि सीएसएस इज द नेम ऑफ स्मार्ट वर्क, आपने स्मार्ट वर्क करना है एंड ओनली हार्ड वर्क ऑन योर ग्रे एरियाज, जो आपकी ग्रे एरियाज है उस पर आपने हार्ड वर्क करना है, बाकी आपने क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है. उस स्मार्ट वर्क में सबसे पहली चीज ये क्या है कि आप सिलेबस को सेग्रीगेट करके फिर इसके बाद उसको अपने फिंगर टिप्स पे रखें कि ये सब्जेक्ट. और जहां से भी आपको आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, बुक्स भी पढ़ते हो, आप टॉक शोज भी देखते हो, आप कोई मैस मीडिया में आपका सोशल मीडिया में भी कोई टॉपिक्स होता है कोई हम देखते हैं, तो आपने देखना होता है. या अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं ये जो आर्टिकल पढ़ रहा हूं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं क्या ये सीएसएस का कोई सवाल बन सकता है, क्या ये सीएसएस का कोई किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से रिलेवेंट होता है. दैट इज नॉट बिग डील एट ऑल. आप पूरे सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकाले जहां आपकी आपकी स्टडी टेबल है जहां पर उस पर आप लगा दे छिपा दे और एक नजर से देखा अगर कि ये टॉपिक से और उन टॉपिक्स को इजिली जहां से भी आपको मेटेरियल मिल जाए. डोंट रिलाय ऑन द बुक्स, आपने एक बुक्स पर रिलाय नहीं करे, जहां भी आपको कोई टॉपिक मिल जाए उस टॉपिक को आज से लेके जाए और वहां पर आपने इस टॉपिक को कवर करना है. उस कोई किताब है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई आर्टिकल है, कोई टॉक शो है, कुछ भी है, कोई जनरल डिस्कशन है, कोई बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में आप जा रहे हैं वो उससे रिलेवेंट आप कोई चीज मिल रही तो गो फॉर इट. इसलिए ये ज्यादा लाजमी है आपको सिलेबस. तो मैं सिलेबस आई विल टॉक ऑन दिस, कल मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा कि सिलेबस की सेग्रीगेशन क्या है. तो नंबर एक इंट्रोडक्शन टू सेकेंड क्या है, जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म जो मेन टॉपिक है जिससे सवाल हर वक्त में आएगा जहां पर थ्योरीज अप्लाई होगी वह है जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म. क्या जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड और जेंडर नर्चर्ड है या नेचुरल है, क्या ये कल्चर्ड है, क्या ये जेंडर है जो हमें जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर रोल जो असाइन हुआ है, क्या जेंडर आइडेंटिटी कि मैं मेल हूं क्यों मैं मेल हूं, क्या मुझे ये असाइन हुआ है या ये नेचुरल है या कल्चर है, ये नेचुरल है या इंजीनियर्ड है, ये नेचुरल है या कल्चर्ड या ये एस्क्राइब्ड है या ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड या एस्क्राइब्ड. तो जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, जितने भी जेंडर्स हैं उस जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म, जिसमें नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट और बहुत ज्यादा बेहतरीन डिबेट है. तो आप लोगों को इस डिबेट के अंदर आप लोगों को जेंडर का जिस्ट मिलेगा इंशाल्लाह. आई विल ट्राई ऑल माय बेस्ट कि इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, इसकी पूरी डायसेक्शन करूंगा मैं इंशाल्लाह.
जिसका नेचुरल नेचर वाला पर्सपेक्टिव किताबों में आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो जेंडर इज नेचुरल, इसका डिबेट भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम आएंगे स्कोरिंग वाला साइड पे, क्या वी कैन स्कोर गुड इन दिस, अगर ये आ जाते तो इसमें हम किस तरीके से स्कोर गुड कर सकते, वो वाले पर्सपेक्टिव, यानी जेंडर इज कल्चर्ड या सोश कल्चरल या जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म, सोशल जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म वाला थीरीज है, कंस्ट्रक्शनिज्म थीरीज, वो थीरीज भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वाला ये डिबेट आ जाता है। इसके बाद फिर इसी के अंदर अंदर एक और डिबेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये दो प्राइमरी चीज है, ये कल या कल के सब्जेक्ट में इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम बात करेंगे कि जेंडर और सेक्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे द थर्ड वन, दैट इज फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड फेमिनिज्म, जिसमें हम फेमिनिस्ट थ्योरी इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, उसके अलिब्बे से लेकर के उसके एडवांस लेवल तक सारे बताऊंगा, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, कितने टाइप्स ऑफ, 5-6 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म यहाँ पर बताया गया है। इंशाल्लाह विल ट्राई ऑल माय बेस्ट टू शेयर आप लोगों को मोर देन 20 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म बताऊंगा, जो मॉडर्न टाइम्स जो फेमिनिज्म अभी फेमिनिज्म की यानी सॉरी जेंडर स्टडीज की किताबों में नहीं लिखी गई है लेकिन डिबेट हो रहा है, उन सारे डिबेट या मॉडर्न फेमिनिज्म के टाइप्स एंड काइंड्स भी आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ क्या है, हाउ फेमिनिज्म was incepted, inception of feminism, ये evolution of feminism, वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से Mary Wollstonecraft, I will start from Mary Wollstonecraft till today, जो जितने भी आपके feminist moments हैं, feminism का जितनी भी development हुआ है, feminist की theory से वो हम discuss करेंगे, even though, which is not the part of your course, लेकिन I will try all my best कि मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा, जिसमें औरत मार्च भी आ जाते हैं, मी टू मोमेंट जो है, और जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म अभी तक क्या है नहीं बना है, उसका फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बल्कि बकायदा तौर पर कि जो अपकमिंग जो फेमिनिस्ट मोमेंट है उसके बारे में भी बताऊंगा, टाइम्स अप के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मॉडर्न टाइम्स फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए टाइम्स अप वाले जो मोमेंट चल रहे उसमें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अच्छा, इसमें फेमिनिज्म, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी और जो इरा ऑफ फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, डिफरेंट वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसा ऐसा जब आप देख लेते हो ये चीजें आपके माइंड में इको कर जाएंगी, अगर बाद में याद रखिए फिंगर टिप्स पर लेके आना होगा आप लोगों को ये सारे सिलेबस, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द फोर्थ जो है वो हम बात करेंगे, दैट इज स्टेटस ऑफ फेमिनिज्म, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, इसे ऐसे आ जाता है, ये इस एरिया से ऐसे आ जाता है। उसमें हम लोगों ने फिर देखना है वुमेन इन एजुकेशन, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन गवर्नेंस, वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन इन मैस मीडिया, वुमेन इन लिटरेचर, जितने भी मेन मेन एस्पेक्ट्स होंगे जो डोमेन्स ऑफ लाइफ है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है, उस वॉक्स ऑफ लाइफ में हम वुमेन के रेशो, उनके कनंड्रम्स, उनके ब्रेन ट्विजर्स, बॉटलनेक्स इन देयर वे टू प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, टू इक्वालिटी, जितने भी ये होंगे उनके इश्यूज को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जेंडर यानी वुमेन इन लॉ, लॉ में वुमेन की क्या क्या है और क्या पर स्टेटस है, औरत की एजुकेशन में, हेल्थ में, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज, और इसी के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का नेक्स्ट, दैट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर डेवलपमेंट की थेरीज, डेवलपमेंटल थेरीज आएंगे, जो सबसे मुश्किल बात होती है यहाँ पर वो है डेवलपमेंटल थेरीज, जिसमें हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह विल ट्राई और मैं बस आप लोगों को सारे क्लियर करवा लूंगा। उसमें चाहे वर्ल्ड क्लास सिस्टम थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी है, और इसके अलावा जो है क्लास सिस्टम थ्योरी है या थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न थ्योरी है, वो सारे थ्योरीज को इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और जो वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा किताबों में ये तीन अप्रोचेज है, मैं फोर्थ अप्रोच भी आप लोगों को बताऊंगा, दैट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट एंड लॉ, लॉ वाला पर्सपेक्टिव भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे।
मरियम घबराना नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा, दैट इज जेंडर एंड लॉ के बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर एंड वायलेंस, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है यहां पर फिर थ्योरीज है, यहां पर फिर थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव है। तो जेंडर बेस्ड थ्योरी चाहे सोशियोलॉजिकल साइको एनालिटिकल जितनी भी थ्योरीज है, चाहे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, या पॉलिटिकल थ्योरीज है, या क्लास सिस्टम थ्योरीज है, ये सारे थ्योरीज भी पढ़ेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इंशाल्लाह विल ट्राई ऑल माय बेस्ट कि मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस भी आप लोगों को बताऊंगा, वायलेंस की थ्योरीज भी बताऊंगा, ताकि टू स्कोर गुड आप लोगों ने वायलेंस की थ्योरीज भी कोड करना है। दो दो तीन तीन लाइनों में मैं थ्योरी सारे आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन थ्योरीज को आप लोग दो दो तीन तीन लाइनों में आप लोगों ने वहां पर इनकॉर्पोरेट करना है अपने अपने क्वेश्चन, और यहां से सवाल जरूर आ जाता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस से जरूर सवाल आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताया कि दैट इज जेंडर, और जेंडर के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज को इंशाल्लाह हम देखेंगे, डिफरेंट केस स्टडीज हम देखेंगे, जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई और इसके बाद शर्मीन उबैद चनाए और मुख्तारन माई जो है उसकी केसेस को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि आप लोगों को सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट समझ आया होगा। समझ आया? कुछ समझ आ रहे हैं? अच्छा, एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना है, फील फ्री, इट्स योर क्लास, जिस तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हो, आविश कि हम लोग डिस्कशन कर सकते थे तो बड़ा मजा आता। अब भी इट इज योर क्लास, कोई भी सवाल हो आई विल शेयर माय, मैं आप लोगों को हाउ टू रीच मी, कोई भी सवाल है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, काइंड सजेशन हो, कुछ भी हो, tarikbingul.humanity@gmail.com आप एनी टाइम मुझसे जो नहीं आप कॉन्टेक्ट कर सकते इसके जरिए से, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो सारे। अब बाकी ये इट इज माई नॉट प्रोफेशन ऑफ लाइफ, इट इज माई पैशन ऑफ लाइफ टू टीच। तो आप लोग जितने भी अगर असाइनमेंट चेक करवाना हो, कुछ भी करवाना, तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सके इसके जरिए से। उस्मान नहीं, यहाँ पर स्लो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये है ये सारे, और मैं किताबें जो है वो सारे किताबें शेयर भी करूंगा। अच्छा, ये है या तर tarikbingul.humanity@gmail.com, इस पर जो नहीं हम आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, और मुझे आप लोग जितनी भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है, कोई रिजर्वेशन भी हो सकता है, कोई रिजर्वेशन है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट दिस। अच्छा, ये था सेग्रीगेशन ऑफ द सिलेबस। अब हम आते हैं कमिंग टुवर्ड जेंडर स्टडीज, हम जेंडर स्टडीज की तरफ आएंगे कि जेंडर स्टडीज है क्या दोबारा, और उसकी क्या किस तरीके से ये इवॉल्व हुई है, और डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज, और ऑटोनोमी वर्सेस इंटीग्रेशन वाला डिबेट करेंगे। ऐसा अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। नो अभी बुरहमान, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है अभी, अभी अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इससे ऐड करके जैनब केस वाला जो है वो वाला केस यहाँ पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जितने भी अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस जो चल रहा है वो डिस्कस करूंगा, और रिसेंटली मैंने रिसर्च पेपर लिखा है अभी बुरहमान, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, उसके जिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, बट आई विल शेयर द जिस्ट ऑफ दैट रिसर्च पेपर। और ट्रांसजेंडर यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ है, आपके पूरे सिलेबस में ट्रांसजेंडर नहीं है, सिवाय क्वेर थ्योरी में थोड़ा सा ट्रांसजेंडर डिस्कस हुआ है, तो आई विल ट्राई और माई बेस्ट कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसजेंडर वाला भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ये अमीरुद्दीन, मैं आई विल शेयर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पूरी सारे। थैंक यू उस्मान। अच्छा, मदियत टू मेक काइंडली रिकमेंड, श्योर आई विल रिकमेंड द बुक्स। पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे जाएंगे स्टार्ट में, आज कौन से टॉपिक्स करेंगे, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अगर आप मुझे बता दें, देर आर ओनली 20 to 25 क्वेश्चंस इन जेंडर स्टडीज. मैं टू स्कोर मोर देन 80 प्लस अगर स्कोर करना है, देर आर ओनली 20 to 25 क्वेश्चंस. 20 or 25 क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. अगर आप दिन में दो दो क्वेश्चन, दिन में एक क्वेश्चन भी कर लेते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील. कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप लोग इजिली इस सब्जेक्ट को विद एक्सटेंसिव नोट्स, विद असाइनमेंट्स, विद थीसिस जो है आप लोग कर सकते हो. अगर आप डेली बेसिस पे एक एक दो क्वेश्चंस, या डेली बेसिस जो मेरे साथ आप लोग चलो और गेट चेक बाय मी, मैं चेक भी साथ करता रहूंगा और आप लोग काम भी करते जाए, तो इजिली आप लोग का, यानी जब ये कोर्स खत्म होगा तो साथ आप लोग के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. तो ट्राई योर बेस्ट. अच्छा, अब हम आएंगे दोबारा उसकी तरफ, फर्स्ट टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी. थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या है. जेंडर स्टडीज, इसके लफ्ज से ही मालूम है. हम देखते हैं कि दुनिया में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारी एक सोसाइटी है और हम एक मुल्क में रह रहे हैं, और आप पूरी पूरी इंसानियत को अगर देखते हो तो उसमें एक और चीज, इंसान की सेग्रीगेशन हुई है. इंसान को डिवाइड, यानी जो ह्यूमैनिटी है वो सेग्रीगेट है. कभी रेस की फॉर्म है, कभी रिलीजन की, कभी कल्चर की फॉर्म है, कभी ज्योग्राफी की फॉर्म है, मुख्तलिफ फॉर्म में जो है ये हम सेग्रीगेटेड है. लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान को सेग्रीगेट किया गया है उसकी बॉडी फिजियोलॉजिकली भी. इंसान के डिफरेंट फॉर्म्स बनाए गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बनाए गए ऑन द फेस, ऑन द फॉर्म ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजी, या फिजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, या एनाटॉमी की बुनियाद पर, या फिजियोलॉजिकली इंसान को अगर देखा जाते उसकी डिवीजन हुई. जिस तरह मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन क्या है, जैसे हम कहते हैं बाइनरी डिवीजन, बाइनरी 22 मतलब दो, बाइनरी दो किस्म, कौन से, मेल और फीमेल, दो दो जेंडर्स होते हैं ना, मेल और फीमेल. वैसे जनरल बात करो तो बाइनरी डिवीजन ऑफ जो जेंडर होता है वो दो है, मेल और फीमेल. तो अब हम लोगों ने देखा है, जिस तरह इस लफ्ज से मालूम है, यानी स्टडी अबाउट द जेंडर, स्टडी अबाउट द जेंडर्स, डिफरेंट जेंडर्स के बारे में हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है. और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इस जेंडर को, क्योंकि जेंडर स्टडी मैंने बता दिया इट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इस ये अभी तक फुल फ्लेज कोई सब्जेक्ट नहीं बना है, बल्कि बहुत सारे क्या है, इस सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने साथ, बहुत सारे सब्जेक्ट उनके साथ चल रहे होते हैं, और उन सारे सब्जेक्ट के साथ चलते चलते इसने क्या करना है, इसने अपने साथ और भी बहुत सारे चीजों को साथ लेके जा रहे हैं. उसमें सबसे पहली चीज क्या है, जैसे पहले डिस्कस हुआ था, दैट इज वुमेन स्टडीज. इसमें वुमेन स्टडीज भी है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें वुमेन स्टडीज भी, जिसमें हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. स्टेटस ऑफ वुमेन या वुमेन की एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, या वुमेन सेंट्रिक वर्ल्ड या द वुमेन वर्ल्ड व्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. नंबर एक, यानी बहुत ज्यादा आसान, जेंडर स्टडीज में क्या है, उसका एक पार्ट है वुमेन स्टडीज, वुमेन स्टडी. क्योंकि आपको पता है ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है. मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यानी बाकी सब्जेक्ट को भी इंकल्केट करते हैं, अपने साथ लेके जा रहे होते हैं. ठीक है, तो ये वुमेन स्टडीज नंबर एक, वन सेगमेंट. सेकेंड क्या, मैन स्टडीज. अगर आपने वुमेन को पढ़ना है, यू मस्ट नो अबाउट द मैन टू, आपने मैन के बारे में भी पता होना चाहिए. तो क्योंकि इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, और एक दूसरे का इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे के लाइफ को, एक दूसरे के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते करने के लिए जो मेन स्टडीज भी पता आपको होना चाहिए. तो सेकंड सेगमेंट ऑफ द जेंडर स्टडीज इज मेन. ये तो हुआ बाइनरी डिविजन, दो चीजों के बारे में जो हमें मालूम है. एक और सेग्रीगेशन भी है, जिसे हम कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस. इसको ट्रांस भी हम कहते हैं, बाज लोग इसको ए जेंडर भी कहते हैं. ये जब भी किसी चीज का
आसात आगे इसका मतलब विदाउट, एसिमेट्रिकल, ठीक है, ए मतलब विदाउट। तो कुछ लोग इसको, कुछ स्कॉलर्स इसको ए जेंडर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्वीर भी बोलते हैं, क्वीर भी आ जाता है, जिसमें कुछ इसको LGBTQ, लेस्बियंस, गेज, बायसेक्सुअल्स, ट्रांसेक्सुअल्स एंड क्वीर, LGBTQ भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़े, ए जेंडर या द अदर जेंडर, इसको द अदर जेंडर भी लिख सकते हो, द अदर जेंडर, ट्रांसजेंडर, ए जेंडर, द अदर जेंडर, नीदर जेंडर, ठीक है, ये सारे जो ये सारे, या क्वेर या LGBTQ, इन तीन चीजों के बारे में हम जेंडर स्टडीज में पढ़ते हैं। इन तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन तीन चीजों के साथ साथ इनको हम किस परस्पेक्टिव में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आसान। नंबर एक, जेंडर आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा आसान, जेंडर आइडेंटिटी। अब जेंडर आइडेंटिटी से क्या मुराद है, कि वो जेंडर जो है, मेल है या फीमेल या ट्रांस है, वो अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है या चाहती है या चाहते हैं, किस तरीके से वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, या वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन, या वो किस तरीके से अपने बारे में जानते हैं, जेंडर आइडेंटिटी एक फर्स्ट थिंग। इसके बारे में, इसके अलावा सेकेंड हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा आसान, जिस्ट ऑफ द टॉपिक में अगेन जेंडर आइडेंटिटी के बाद जेंडर रोल। हम तो जेंडर स्टडीज तो पढ़ते हैं, किताबों में इतनी ज्यादा स्टफ है, आज तक हमें ये बताया नहीं गया है कि जेंडर को हम लोगों ने, जेंडर स्टडीज का असल लब्ध लुभाव क्या है, ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या है। याद रखिए, हर सब्जेक्ट का ऑर्बिट होता है, अगर ऑर्बिट का पता नहीं है, डिस्कोर्स का पता नहीं है, नेचर का पता नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रेस दैट सब्जेक्ट। कुछ तो आप रटलाइजेशन कर लेते हो, आपके पास कुछ चीजें तो आपके जहन में आ जाते हैं, लेकिन अप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज विल बी चैलेंज फॉर यू। वो नॉलेज को आप अप्लाई नहीं करोगे जब तक आपको उस सब्जेक्ट का, उस नॉलेज का आपका रोल, यानी उसके सब्जेक्ट का क्या पर्सपेक्टिव का पता ना हो, या उसका प्रिज्म, डिस्कोर्स और नेचर का पता ना हो। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों का, जेंडर आइडेंटिटी भी हम लोगों ने पढ़ना है, इसके बाद जेंडर रोल हम लोगों ने पढ़ना है, हर चीज का क्या था, किस जेंडर को कौन सा रोल असाइन हुआ है, बहुत ज्यादा आसान में, बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में बताऊंगा। अगेन कि अगर आपको आपसे एक लफ्ज में कोई पूछ ले कि जेंडर स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप बता दो जेंडर रोल। अब जेंडर रोल को क्या, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, तीन किस्म के रोल होते हैं, बल्कि मैं आप बता दो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जेंडर में आप क्या पढ़ते हो, जेंडर स्टडीज में एक लफ्ज में बताया, वी स्टडी 3 आर्स, हम जेंडर में 3 आर्स पढ़ते हैं, ट्राई और बेस्ट, कोशिश कर लें इसको आप लोगों ने इंकल्केट करना, कोशिश करना इसको समझने की। हम जेंडर में क्या करते हैं, जेंडर स्टडीज में हम 3 आर्स पढ़ते हैं। नंबर एक, रोल, नंबर एक क्या है, 3 आर, जेंडर में हम क्या पढ़ते हैं, हम 3 आर्स पढ़ते हैं। नंबर एक रोल, अब रोल ऑफ मेल, रोल ऑफ फीमेल, रोल ऑफ ट्रांस इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है, मीडिया है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोसाइटी में है, जो भी रोल है हम लोगों ने इसका रोल देखना है, 3 आर्स हम लोगों ने देखना है उस रोल में। 3 रोल्स में क्या है, उसमें सबसे पहले आपने क्या है, रोल, रोल समझ आए, रोल जो है ये आर, इसके अगेन 3 टाइप्स है, ट्राय और बेस्ट। नंबर एक, इसको अगर आपको समझ आया, जेंडर के पूरे डिबेट्स आपको समझ आ जाएंगे, चाहे हम आज कुछ भी ना पढ़ ले, सिर्फ इसको आप समझ लें, ये रोल को, जेंडर रोल को। सेकंड चीज, फर्स्ट क्या है, रोल में हम लोगों ने क्या था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोल, 3 आर्स है और 3 रोल्स है, 3 आर्स हम लोगों ने पहला आर बता दिया, रोल,
और थ्री रोल्स के अगेन इन थ्री टाइप्स है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोल्स। उस रोल में सबसे पहले क्या आता है, रिप्रोडक्टिव रोल। देख लीजिए सब, रिप्रोडक्टिव रोल, रिप्रोडक्टिव रोल से आपको पता है रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है आपको पता है कि इंजेंडर करना, पैदाइश करना, अफजाइश करना, नमू पाना, अफजाइश करना, जो ये सारे जो थे रिप्रोडक्टिव रोल। आप रिप्रोडक्टिव रोल, मेल का फीमेल का क्या रिप्रोडक्टिव रोल है, इस रोल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिप्रोडक्टिव रोल या देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोल, उसमें से एक फर्स्ट रोल जो है थ्री आर में से वो है रिप्रोडक्टिव रोल। इस रिप्रोडक्टिव रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर एक, सेकेंड रोल होता है दैट इज, जिसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक महदूद है, रिप्रोडक्टिव रोल एक महदूद रोल तक आ जाता है। इसके बाद है प्रोडक्टिव रोल, प्रोडक्टिव रोल। एक है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। आई होप सो कि इस लफ्ज का आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, समझ आया होगा। रिप्रोडक्टिव रोल, इसके बाद ये प्रोडक्टिव रोल। प्रोडक्टिव से क्या मुराद है, जब आप कोई फॉर एग्जांपल यहां पर बिजनेस भी आ जाता है, यहां पर पॉलिटिक्स भी आ जाता है, यहां पर आपको बाकी जो ना इकोनॉमिक्स अफेयर्स भी आ जाते हैं सारे, आप प्रोडक्शन जो करते हैं ये रिप्रोडक्शन। आपको पता है एक स्पेसिफिक एक अमल होता है रिप्रोडक्टिव रोल जो है वो सेंट्रिक होता है, वुमेन सेंट्रिक होता है ज्यादा तौर पर रिप्रोडक्टिव रोल। इसमें फॉर एग्जांपल कॉन्फाइंड टू हाउस, इसमें हाउस हाउस वर्क आ जाते हैं, हाउस होल्ड आ जाते हैं, इसमें बच्चे का केयरिंग नर्चरिंग, बच्चे का पैदाइश करना, ये सारे करने जो है, या मदरिंग जो है, मदरिंग जो सारी चीजें करनी, ये रिप्रोडक्टिव रोल में आ जाते हैं। प्रोडक्टिव रोल में फिर आ जाते हैं पैसा, कारोबार, तिजारत, ज़रात, सनात, ये सारे चीजें फिर प्रोडक्टिव रोल में आ जाता है, यह प्रोडक्टिव रोल। इसके बाद समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, थैंक यू, यस यस। इसके बाद प्रोडक्टिव रोल के बाद हम दोबारा आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव रोल, प्रोडक्टिव रोल। इसके बाद एक और चीज आ जाती, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी रोल। बहुत बड़ी थ्योरीज को, बहुत बड़ी जो नॉलेज है उसको कॉन्साइज करके मैं थ्री थ्री आर्स में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़े डिबेट्स है, उन डिबेट को कॉन्साइज करके उसका जस्ट यही आ रहा है, उस रोल में रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड सोसाइटी, यानी हाउ यू रन द सोसाइटी, हाउ यू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसमें फॉर एग्जांपल अगर एक लफ्ज में बता दो, लीडरशिप, पावर, यहां पर पावर आ जाती है। यानी एक और रोल क्या है, वो क्या है, पावर का। पावर क्या है, टू इन्फ्लुएंस अदर्स, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स। व्हाट इज पावर, पावर इज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स, आप दूसरों के लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो। आई होप सो समझ आया होगा। तो थ्री आर्स रिगार्डिंग जो हम जेंडर स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं थ्री आर्स में, उसमें सबसे पहले रोल, थ्री आर्स में पहला आर रोल, और रोल के अगेन थ्री ट्राइब्स है, रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी रोल। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड आर की तरफ। सेकेंड आर क्या है, responsibilities, responsibilities। अगर आपको क्या होता है हर, तो हम जेंडर में क्या करते हैं, हम जेंडर में responsibilities के बारे में भी पढ़ते हैं कि किसकी क्या responsibility है, या ये responsibility किस तरीके से आसान होती है, या किस तरीके से आसान होना चाहे, या अगर वो आसान है क्या वो सही है गलत है, जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकेंड आर जो है फर्स्ट रोल, सेकेंड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। आई होप सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
इसके बाद थर्ड जो आर है दैट इज राइट्स। चाहे हम कुछ भी आज ना पढ़े, आप लोगों को समझ आ जाएंगे, दैट्स मोर देन इनफ। इसमें क्या है, थ्री आर्स राइट्स के बारे में भी आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ना होगा। राइट्स मेल का, फीमेल का, ट्रांस का, क्या राइट्स है। तो आप लोगों ने इसके जो जेंडर स्टडीज है उसमें हम लोगों ने आर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। इसमें क्या है, आप लोगों ने राइट्स के बारे में भी हम लोग क्या करते पढ़ेंगे। तो ये जेंडर में हम क्या कर लें, इन सारी चीजों का ये डिबेट होगा। पंच लाइन हमारे क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, हम जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म इंशाल्लाह बात करेंगे। औरत कहते हैं कि मैं इस तरह नहीं हूं, मुझे बनाया गया है, जेंडर कंस्ट्रक्शन या जेंडर को इस तरीके से बनाया गया, वहां पर जेंडर रोल जो है, जेंडर की क्या रोल है, जेंडर रोल के बारे में। थर्ड चीज जो क्या है वह है जेंडर रिप्रेजेंटेशन। के जेंडर रिप्रेजेंटेशन के मीडिया में है, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, किताबों में, ड्रामा में, स्क्रीन पर जेंडर को किस तरीके से रिप्रेजेंट आप करते हैं। फॉर एग्जांपल औरत की रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, शी इज डोसाइल, आपको पता है शी इज इमोशनल, वो इमोशनल है, शी इज वीक, मर्द की क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर की जो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की गई है, क्या वो प्योर यानी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, किसकी बेसिस पर जेंडर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप सो के जेंडर का समझ आया होगा, समझ आया। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा थोड़ा सा हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि जेंडर किस तरीके से इवोल्व हुआ था, जेंडर स्टडीज कैसा डिवेलप हुआ था, जेंडर स्टडीज की डिवेलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, हम देखते हैं कि दुनिया, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं जाऊंगा, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कॉन्फाइन दोस ऑल थिंग्स। हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जब पूरे प्लेनेट पे आया, इंसान आया, और उसके साथ उसकी जो सेकंड पार्ट है मेल के साथ, जो विच कंप्लीट्स द लाइफ ऑफ द मैन, दैट वाज वुमेन, औरत है, विच आर आपको पता है दोनों एक दूसरे की कंपार्टमेंट से बहुत कंप्लीट्स द लाइफ। इसके बाद हम देखते थे कि कुछ औरतों को, औरतों खास तौर पर फीमेल पर बहुत सारे जुल्म जालिम हुए हैं। हिस्ट्री ने भी जुल्म किया है, लिटरेचर ने भी जुल्म किया है, लोगों ने भी बड़े बड़े से सिविलाइजेशन में औरत पर बड़े जुल्म ज्यादती हुई। इवन तो अब भी सिविलाइजेशन कल्चर के नाम पे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के नाम पर औरतों को बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया जाता है, और उनकी जो ड्यू राइट्स है वो नहीं दिए जाते हैं। इवन तो औरतों को तो छोड़े, सारे ह्यूमन बींग को भी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। हमने देखा तो कि वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जब मेंटल इन्वेस्टमेंट हुई है, जब उसका फैकल्टी ऑफ माइंड एंड रीजनिंग एनहेंस हुआ है, उस फैकल्टी ऑफ माइंड एंड रीजनिंग को एनहेंस होते हुए क्या हुआ था कि इंसान को, इंसान ने कुछ कोशिश किया था, स्ट्रगल किया था कि उसको ड्यू मकाम उसको मिल जाए। ड्यू मकाम करने के लिए इंसान ने स्ट्रगल भी किया था, कोशिश भी किया था, कुछ स्कॉलर्स भी है, कुछ फिर डार्कनेस वाला एरिया जो था वो डार्क एजेस भी दूर हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते इंसान को कुछ मकाम मिला, और उसमें भी कुछ लोगों को, एक खास नस्ल को, एक खास तहजीब वालों को राइट्स मिले थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, खास तौर पर हम देखते हैं कि जब इनलाइटमेंट का पीरियड आया था, हम बहुत सारे स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं कि व्हेन डार्क एजेस खत्म हो गए थे, सिल्वर लाइनिंग से जब हम दोबारा वेस्ट जो है वो इनलाइटमेंट की तरफ आना स्टार्ट हो गए थे, तो उन लोगों ने इंसान को कुछ हुकूक देना स्टार्ट कर लिया। जिस तरह आप देखते हैं मैग्ना कार्टा जो मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ये देखा जाता है, वैसे मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और है, वो चार्टर ऑफ मदीना है। लेकिन खैर हम बात करेंगे, अब तारीख है, कहते मैग्ना कार्टा में इंसानों को कुछ हुकूक मिले, और उसमें ज्यादा तौर पर मेल्स को मिले। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका में जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें कुछ, अच्छा इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, मैं वैसे जनरली बताने की कोशिश कर रहा हूं इन जनरली। तो फिर क्या हो जाता है, तो इंसान को कुछ वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, वर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो थोड़ा सा एनहेंस होना स्टार्ट हो गया था।
इंसान का जो मकाम मर्तबा या तकरीम इंसानियत जो है, जो सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, वो अब थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर एक वक्त आया तो मेल को तो कुछ हुकूक मिले, लेकिन ओमेन जो है वो डिप्राइड हो गई। फिर मोमेंट स्टार्ट हो गए थे, उस मोमेंट में जिस तरीके 1792 में सेनेका सॉरी द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस औरत को, इस औरत ने एक किताब लिखा द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इस किताब जो है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इस किताब से फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था। अनऑफिशियली फेमिनिज्म स्टार्टेड फ्रॉम दिस बुक बाय विच वाज रिटन बाय मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने किताब लिखा तो औरतों की एक जदोजहद स्टार्ट होगी, और फॉर्मली जहां पर औरतों की जदोजहद स्टार्ट हुई है वो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से। थोड़ा सा खुसूसन तौर पर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से बाकायदा तौर पर यह स्टार्ट हुआ था फेमिनिज्म, और उसमें कुछ राइट्स जो औरतों को, कुछ राइट्स के बारे में बात की। उसमें सबसे पहले उन लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स और राइट टू वोट की उन लोगों ने बात की कि हमें कुछ राइट टू वोट मिल जाए, राइट टू वोट मिल जाए हमें। तो राइट टू वोट मिलने के साथ साथ उन लोगों ने यानी पॉलिटिकल राइट्स की तहरीक चलाई थी। यहां से औरतों ने जब आए आहिस्ता आहिस्ता उनको राइट टू वोट कुछ मिल गए, यानी 1893 में सबसे पहले आपको था न्यूजीलैंड में मिला था, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिला था। ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फेमिनिज्म मोमेंट में इंशाल्लाह। और फिर आपको था 1918 में मिला था यूके में, और 1920 में आफ्टर पासिंग द 19 अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 19 अमेंडमेंट पास होने के बाद क्या हुआ था, वहां पर औरत को राइट टू वोट मिला था 19 अमेंडमेंट के बाद। अब ये 19 अमेंडमेंट के बाद जब औरत को राइट टू वोट मिला, लेकिन कोई खास चेंजेस नहीं है उनके राइट में। द प्लाइट ऑफ वुमेन वाज नॉट चेंज्ड, पीएलआईजी, जो द प्लाइट ऑफ वुमेन है वो चेंज नहीं हुआ था, औरत की तकदीर नहीं बदली थी। फिर इसके बाद औरत ने कहा था कि भाई नहीं, मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनाइज करना होगा। अब वो रिवोल्यूशनरी करने के लिए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। औरत ने क्या किया था, उसने बकायदा तौर पर एक मोमेंट स्टार्ट की थी। उसने कहा कि नहीं, अब इमेंसिपेशन फ्रॉम ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस, इमेंसिपेशन फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशंस, जो औरत के जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन, उसको अभी हम लोगों ने क्या करना है, क्वेल करना है, खत्म करना है। उसके लिए औरत ने एक मोमेंट स्टार्ट किया था। उस मोमेंट में सेकेंड वेव फेमिनिज्म भी कहते हैं और इसको रेडिकल फेमिनिज्म भी कहते हैं, अल्ट्रा सख्त मुश्किल तरीन। उसने कहा कि नहीं, औरत एक फोर्स की तरह दिखा, यूनिवर्सल सिस्टरहुड का उन लोगों ने नाम दिया। ये सारे स्लोगन वगैरह सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आगे इंशाल्लाह, दूसरे तीसरे इंशाल्लाह टॉपिक्स में ये सारी चीजें आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहां पर सेकेंड वेव फेमिनिज्म एक और मोमेंट, मोमेंट के साथ साथ औरतों ने कहा कि अब आम लोगों ने जितनी भी लिटरेचर लिखी गई है, जितनी भी चीजें लिखी गई, उसने औरत ने नहीं लिखी है, और औरत के बारे में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज है या एजुकेशन के जितने भी आपके आउटलेट से, उसमें औरत के बारे में कुछ तो बताया नहीं गया है। खास पर दे स्टार्टेड फ्रॉम सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं ना, सोशियोलॉजी के बारे में उन लोगों ने जब देखा था कि यहां पर औरत, मर्द नहीं औरत के बारे में लिखा गया है, मर्द नहीं औरत के बारे में लिखा गया, और औरत ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए उन लोगों ने एक तहरीक के साथ साथ उन लोगों ने एक बकायदा तौर पर डिसिप्लिन स्टार्ट किया था। उस डिसिप्लिन को हम कहते हैं वुमेन्स स्टडीज, वुमेन्स स्टडीज स्टार्ट हुई थी। हार्ली 1960s में क्या हुआ था, अमेरिका में 60s में और यूके में 60s, यूएस में 60s में और यूके में 70s में औरत के बारे में लिखना स्टार्ट हुआ था, वुमेन स्टडीज स्टार्ट हुई थी। वुमेन स्टडीज में क्या था कि जितनी भी चीजें थी औरत के बारे में, और उसने कहा था कि हमें लिटरेचर प्रोड्यूस करना होगा, तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था औरतों के बारे में, वुमेन स्टडीज। इसीलिए अगर आप देखते हैं कि इस वुमेन स्टडीज से फिर पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस कर गया,
इसमें पाकिस्तान भी इन्फ्लुएंस कर गए और बाकी कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस करके गए। वुमेन्स स्टडीज जब स्टार्ट हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा एक डिपार्टमेंट या पूरा एक कॉरिकुलम, पूरा एक डिसिप्लिन बना था। लेकिन उस वुमेन्स स्टडीज में याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन्स स्टडीज, सबसे पहला डिफरेंस क्या था, वुमेन्स स्टडीज इज ओनली वुमेन सेंट्रिक। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, वुमेन सेंट्रिक थे। जितनी भी रिसर्च होता था, जितनी भी डेवलपमेंट होता था, जितनी भी बातें होती थी, सारे लिटरेचर होता था वुमेन सेंट्रिक होता था, बस औरत से रिलेवेंट होता था इसमें, बाकी सारी चीजें उन लोगों ने एक्सक्लूड करवाए थे सारे, वुमेन सेंट्रिक नंबर एक। और सेकंड बात क्या होती थी, यहां पर कहते कि औरत ही औरत के बारे में लिखे, इसलिए यहां पर उन लोगों ने सोलली बिल्कुल वुमेन जब डिपार्टमेंट बनाए थे। आप कहते हैं पाकिस्तान में भी 1989 में, पाकिस्तान में भी 1989 में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वुमेन स्टडीज, फाइव बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वुमेन स्टडीज बनाया गया था। सबसे पहले कराची में बनाया गया था बाय वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये सेंटर भी बनाया गया था पाकिस्तान में। ये स्टार्ट हुआ था 1989 में, पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ तो वुमेन सेंट्रिक था। लेकिन अब यहां पर कुछ सवालात आए, उन सवालात में कहा कि औरत जो है जो ओप्रेस्ड है, औरत अगर उसको डिस्क्रिमिनेटरी है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किसने किया है औरत के साथ। यस ओके स्लो डाउन, यस औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन किसने किया है, उसने कहा मैन। औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है, मैन। और मैन को तो आपने एक्सक्लूड करवाया है वुमेन स्टडीज में। और फिर ये यहां पर जो है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है जो आप मेल की बात कर रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच आप है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा था क्या क्या कर लें कि मेल को भी इंकल्केट कर लें। और जो और तीसरी बात क्या है, जेंडर स्टडी सॉरी वुमेन स्टडीज में सिर्फ वुमेन आर नॉट सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड और नॉट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, सिर्फ औरत डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है बल्कि क्या है, मेल भी डिस्क्रिमिनेटेड है, द अदर मेल जो प्रिविलेजेस फर्स्ट एंड प्रिविलेजेस व्हाइट वुमेन को, व्हाइट वुमेन को हासिल है वो ब्लैक मैन को भी हासिल नहीं है। जो यूरोपियन यूरोपियन जो है जितनी भी है या एंग्लो सैक्सन रेस जो है उनको जो चीजें हासिल है वो बाकी जो ब्लैक या ब्राउन मेल को भी अवेलेबल नहीं है। ये इसमें थोड़ा सा डिस्कस दोबारा आई विल रिपीट होल्ड ऑन रिपीट करवाऊंगा, सिर्फ यहां तक मैं आऊंगा इसे रिलेट करूंगा। तो ये जब चीजें होगी कि इसने कहा कि शॉर्ट कमिंग्स है वुमेन स्टडीज में, तो उन लोगों ने कहा हमें ऑल इनकम्पासिंग कोई डिपार्टमेंट बनाना होगा, ऑल इनकम्पासिंग डिपार्टमेंट बनाना होगा, जिसके लिए उन लोगों ने फिर डिवाइस किया था किसको, जेंडर स्टडीज को। सिर्फ ये बात समझाना था, पूरा जो मुद्दा डिस्कस किया था उसमें ये बात डिस्कस करना था कि फिर उन लोगों ने कहा था कि नो द सोल्यूशन टू दिस ऑल डिस्क्रिमिनेशन और दिस ऑल प्रॉब्लम्स आर हमें कोई एक बहुत ऑल इनकम्पासिंग जो है कोई एक डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन बनाना होगा जिसमें हम औरत को भी मेल को भी ऑन द बेसिस ऑफ रेस सेक्सुअलिटी नेशनलिटी उसको हम डिस्कस कर सके और उसकी जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है उसको खत्म किया जा सके और इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी जो है वो लाया जाए। उसके लिए फिर उन लोगों ने जेंडर स्टडीज को डेवलप किया था इन लेट 1990s में। क्या हो जाता जेंडर स्टडीज क्या आया था वो इट वॉज इवॉल्व इट वॉज सरफेस और यहाँ पर आया था ये सारे। कल दोबारा फिर रिपीट करवाऊंगा, दोबारा बताऊंगा ऑल्ड ऑन सारे चीजें आप लोगों की मर्जी के मुताबिक होंगे। लेकिन ये है कि बी सिंसियर विद योर सेल्फ, अपने साथ सिंसियर करना है, गो गो विद द सेम फेस विद मी, मेरे साथ भी आप लोगों ने साथ जाना है। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग किसी चीज से आप लोगों ने सवाल करना है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा ये सारे। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आया होगा। कल हम दोबारा रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये जेंडर स्टडीज डेवलप हुआ था। नो मैटर, हम कल दोबारा यहां से भी स्टार्ट करेंगे और रिकैप भी करेंगे।
श्योर मरिया, श्योर बुक्स। अच्छा मैं पूछता हूं ना कि आप लोगों को कोई ग्रुप बना होगा, तो जो ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में मैं सारे हेल्पिंग मटेरियल और मार्केट में अवेलेबल जितने भी स्टफ है, बाकी किताबें वगैरह जो है, उसका ई फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं ई फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से असाइनमेंट बनेगी है, क्या क्या बनाया हुआ है, सारे आप लोगों के साथ, नॉट बी वरी। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी वाली बात बता दूं, लीव ऑल द बुक्स, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए वो देखना है तो देख ले, इट विल बी सफिशियंट। माई लेक्चर विल बी सफिशियंट, मोर देन एनफ, फॉर मोर देन एनफ। आप लोग जो 25 मिनट, इतना टॉपिक 25 मिनट में, 1.5 आवर में जो मैं पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक होगा। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को लेकर चलूंगा। 1 आवर, 1.5 आवर में जो पढ़ाएंगे वो आप समराइज करके 25 to 30 कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, स्टफ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। इट इज आप लोगों की, इट इज योर राइट, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर राइट। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन बस सिर्फ आई नीड योर कॉपरेशन, कि आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह आई विल डू ऑल माय बेस्ट। यस, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा, जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज के क्लास डिफरेंसेस होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन और जेंडर इन पाकिस्तान, जेंडर स्टडीज, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ये होगा। और उसके साथ इंशाल्लाह मैं जेंडर और सेक्स के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला तो बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पर मत। यस वी विल स्टडी अबाउट, यस आई विल गिव ओवरव्यू, बिल्कुल ओवरव्यू दूंगा, श्योर। यस, बुक्स भी बताऊंगा, शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। आप लोगों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, द डे विल बी योर्स, होल्ड ऑन योर नर्व्स। हर अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन तीन चीजें याद रखना एक जिंदगी में, एक सक्सेसफुल लाइफ की, जितनी भी आप अगर ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पढ़ोगे सक्सेसफुल मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उनकी जिंदगी में तीन चीजें कॉमन होती है, ट्राई बेस्ट टू एक्वायर दीज थ्री थिंग्स। नंबर एक, डिटर्मिनेशन, बी डिटरमाइंड, जो कुछ करना है डिटर्मिनेशन के साथ करना है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरे जिनके खुदा पर, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नंबर एक। सेकेंड, परसिस्टेंसी, जो काम करना है थोड़ा करो लेकिन डेली बेसिस पर, बी परसिस्टेंट, कंटिन्यूटी। स्लो एंड स्टडी विंस द विनर्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है, बल्कि स्लो एंड स्टडी विंस द विनर्स, ये जीते हुए को भी जीत जाता है। और द लास्ट वन, दैट इज सिंसैरिटी, यानी कि सिर्फ यू आर काजुलिंग यूर सेल्फ इन द अदर्स, आप तो कर रहे हो लेकिन ट्राई और बेस्ट टू बी सिंसियर इन दोज ऑल थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।